फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ये कल के दिन 20 जुलाई को किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के ऊपर क्यों निकल सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोग को दिखा सकता है। आज के दिन यहाँ पे हमने जैसा कल डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें ये लेवल का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये बहुत ही सही जगह पर गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट जोन था और ये ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ पे ये गैप फिल करने के बाद, ठीक है, फिल करते ही ऊपर की ओर निकल गया और आज यहाँ पे 80 से लेके इसने हाई लगाया यहाँ पे 20 का, 40 रुपीज़ का यहाँ पे हम लोग को इसने मोमेंटम ऊपर की ओर दिया है। अभी फिर से जाके देखेंगे तो ये इस वाले 3000 जो कल का इसका हाई था उसके आसपास में ही क्लोजिंग हुआ है। मतलब यहाँ पे बायर्स हैं और अच्छी खासी इसमें बुलिशनेस बनी हुई है, इसीलिए कल भी यहाँ पे ऊपर की ओर निकला था और आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी यहीं पे क्लोजिंग दिया है। मतलब ये वाला जो लेवल है उतना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ठीक है, मतलब बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो हमको ऊपर की ओर कल के दिन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसको जाके देख लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा आज के दिन यहाँ पे हॉल्ट कैंडल जैसा यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन कर रखा है। एक कैंडल बनाया, दोनों कैंडल का हाई एक पास में है, तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस लेवल को पहले ब्रेक करेगा एंड उसके बाद ये कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, इसको फिल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक दो दिन में ये गैप फिल करने की कोशिश करे, क्योंकि आज का यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन है बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है अभी के लिए, ठीक है। अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो वो अलग बात है, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर फ्लैट या गैप ओपन हुआ तो हो सकता है ये ऊपर की ओर निकले। एक बार ये 3080 टच करके फिर से यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हम लोग करेक्शन देखने को मिले एंड फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे उसके हिसाब से अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल अगर ब्रेक करेगा ऊपर की ओर तो हम लोग को एक प्राइस एक्शन ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग लेवल्स यहाँ पे देख लेते हैं कल के लिए। तो जैसा हमने कल यहाँ पे डिसाइड किया था, अगर ये सेम यहाँ पे ऊपर के लेवल हमारे लिए सेम रहेंगे, अगर कल के दिन ये 3025 को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 3034, दूसरा टारगेट 3036, ठीक है, दूसरा टारगेट 3036 रहेगा। दूसरा टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आज बढ़ाएंगे, क्योंकि कल के दिन यहाँ पे अलग सिनारियो था, आज के दिन थोड़ा अलग सिनारियो है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट है वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, ये रहेगा 3049 का, ठीक है, 3049 का ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 3045, दूसरा 3036, दूसरा टारगेट 3045। नीचे की बात करें तो नीचे अभी सेलिंग जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस कैंडल के नीचे, ठीक है, ये जो यहाँ पे आज यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया इस कैंडल के नीचे। अगर ये 30995 नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 3089 का एंड जो सेकंड टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 2983 का। तो इस तरीके से कल हम लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहीं पे फ्लैट ओपन होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में कहीं ओपन होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इसके जो भी ये जो लेवल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।